लेवलन मधुटी को स्वागत करुच्छी एटी हम पढ़िया बीएससी एनालॉग सिस्टम एप्लीकेशंस कर पेपर सेवन रो आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ओके सो वीडियो इंपोर्टेंट हम वीडियो शेष देख एंड यार प्रीवियस वीडियो रे आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ुते सेंटर टैट फुल वेव रेक्टिफायर विषय में जो तुम्हें देख न तो जाकि देखने प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट अच्छे टू टर्मिनल डिवाइसेस सेकेंडरी बोल के सीट तुम्हें चैप्टर पूरा वीडियो देख पार एंड प्लेलिस्ट तुम मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कर पेपर सिक्स थर्मल फिजिक्स वीडियो सब देख पार तो जाकि देखनी ये हम पढ़ा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर तो देख फर्स्ट आम तरह कंस्ट्रक्शन देखा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ फोर सेमीकंडक्टर डायोड्स D1 D2 D3 एंड D4 टू फॉर्म ए ब्रिज ओके तेज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर चार्ट डायोड कंसिस्ट करें D1 D2 D3 एंड D4 एंड ये चार्ट डायोड गोटे ब्रिज फॉर्मेशन करे ABCD ओके डायग्राम तुम देख पार नाउ द डायोड्स D1 D2 D3 एंड D4 आर कनेक्टेड इन द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज ABCD ओके डायग्राम तुम देख पार ABCD ब्रिज रो चारटा आर्म्स रे चारटा डायोड कनेक्ट हो छि AB आर्म्स रे D1 BC आर्म्स रे D2 CD रे D3 एंड AD आर्म्स रे D4 कनेक्ट हो छि एटा हो ट्रांसफार्मर टी एंड ट्रांसफार्मर दुटा कोयल थाए प्राइमरी कोयल पी एंड सेकेंडरी कोयल एस ओके देन प्राइमरी कोयल पी रे आम AC इनपुट दबा देन सीटा इंड्यूस्ड हो सेकेंडरी कोयल एस रे ओके आउ यार दुटा एंडस रही एम एंड एन आउ ए दुटा कनेक्टिंग अच्छे ब्रिज रो ए एंड सी सहित ओके आउ पी एंड डी एंड सहित गोटे लो रेजिस्टेंस RL डे कनेक्ट हो देख से सब एक्सप्लेन कराला इनपुट एस इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कोयल पी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द सेकेंडरी कोयल एस इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ए एंड सी ऑफ द ब्रिज एंड द लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड बिटवीन द अदर टू एंड्स बी एंड डी ऑफ द ब्रिज ओके तो यहाँ से तार कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट देख तार वर्किंग ओके से कौली से वर्क करे कौली से इनपुट एसी को आउटपुट डीसी रे कन्वर्ट करे ओके तो ये पीएन जंक्शन डायोड गोटे प्रिंसिपल रही फर्स्ट आमको मन रखा पड़ो ओके पीएन जंक्शन डायोड केवल फॉरवर्ड बायस रे ही करंट कनेक्ट करता है ओके और रिवर्स बायस रे से करंट कनेक्ट करे ना ओके मीन्स जितेबाड़े पॉजिटिवटा यार पी टाइप सहित और नेगेटिवटा एन टाइप सहित कनेक्ट होता देन दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड से ही कंडीशन रे ही से करंट कनेक्ट करे ओके आज तार ठीक अल्टा है मीनस पॉजिटिवटा एन टाइप सहित और नेगेटिवटा पी टाइप सहित कनेक्ट हो देन दैट इज रिवर्स बायस्ड एंड से ही कंडीशन से करंट कनेक्ट कर ना देन यही प्रिंसिपल को लेकिन ही तार वर्किंग आम देखा ओके तो इनपुट एसी दुईटा सैकल था पॉजिटिव हाफ सैकल एंड नेगेटिव हाफ सैकल जेहेतु सेटा अल्टरनेटिंग करंट ओके देन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ सैकल एंड एम बिकम्स पॉजिटिव एंड एन बिकम्स नेगेटिव ओके तो यहाँ हो पॉजिटिव देन पॉजिटिवटा D1 रो पी टाइप सहित एंड D3 रो पी टाइप सहित कनेक्ट हो मीनस ए दुटा हूँ फॉरवर्ड बायस्ड ओके एंड D4 रो एन टाइप सहित आउ D2 रो एन टाइप सहित कनेक्ट हो मीनस यहाँ हूँ रिवर्स बायस ओके पॉजिटिवटा यार पी टाइप सहित यार पी टाइप सहित कनेक्ट है मीनस यहाँ हूँ फॉरवर्ड बायस्ड एंड ए दुटा हूँ रिवर्स बायस ओके मीनस ए दुटा ही करंट कनेक्ट कर ए दुटा करंट कनेक्ट कर ना ओके तो करंट डायरेक्शन कौन हम ए डायरेक्शन फ्लो हम करंट BRLDC ओके ए डायरेक्शन फ्लो हम करंट ओके देन यहाँ है ड्यूरींग पॉजिटिव हाफ सैकल देन देखा ड्यूरींग नेगेटिव हाफ सैकल कौन हो ड्यूरींग नेगेटिव हाफ सैकल यहाँ नेगेटिव यहाँ हो पॉजिटिव ओके तेज पॉजिटिवटा D2 रो पी टाइप सहित आउ D4 रो पी टाइप सहित कनेक्ट होके आउ D1 D3 रो एन टाइप सहित कनेक्ट हो मीन्स ए दुटा है रिवर्स बायस एंड ए दुटा हूँ फॉरवर्ड बायस मीन्स ए दुटा करंट कनेक्ट करेंगे आउ ए दुटा करंट कनेक्ट करेंगे ना ओके तेज ये करंट डायरेक्शन हम ये भाई BRLDA ये डायरेक्शन करंट फ्लो हम ड्यूरींग नेगेटिव हाफ सैकल तेज देख बोथ पॉजिटिव हाफ सैकल आउ नेगेटिव हाफ सैकल करंट डायरेक्शन ये सेम था ओके लोड रेजिस्टेंस RL आम आउटपुट DCटा पाइबा ताको मैं DC करंट कौन पे कहले तार डायरेक्शन सेम था देख ड्यूरींग पॉजिटिव हाफ सैकल करंट डायरेक्शन इड आसला ड्यूरींग नेगेटिव हाफ सैकल करंट डायरेक्शन एगेन सियाड़े जाके तेज पॉजिटिव हाफ सैकल भी सियाड़े आउ नेगेटिव हाफ सैकल भी सियाड़े तेज ये डायरेक्शन सेम हो गला बोथ सैकल ओके तेज जेहेतु डायरेक्शन सेम देन कौन कह जाए DC करंट बोली कहुए डायरेक्ट करंट डायरेक्शन सेम थे डायरेक्ट करंट बोली कहुए तेज लोड रेजिस्टेंस जो करंटा आम पाइबा से DC करंट ओके तो यही गोटे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट AC को आउटपुट DC रे कन्वर्ट करे ओके तो यहाँ हूँ तार वर्किंगटा जोटा नेक्स्ट एक्सप्लेन कराई से आम सेन्टेन्स देखा आठ तुम नोट्स बनई पार देख जहाँ मुझे एक्सप्लेन कराई
आ सबू एसबू ये लिखाही ओके जहाँ मुझे एक्सप्लेन कल सब ये लिखाई ये तुम नोट्स बनई पार ड्यूरींग पजिट हाफ सैकल्स अफ इनपुट एसी द एंड एम बिकम्स पजिट एंड एन बिकम्स नेगेटिव ओके हेन्स डायट्स डी ओन डी थ्री आर फरवर्ड बायस एंड डी टू डी फोर आर रिवर्स बायस ओके तेज डी ओन डी थ्री फरवर्ड बायस हे ड्यूरी पजिट हाफ सैकल एंड डी टू डी फोर हे रिवर्स बायस ओके तो ओनली ये दुटा ही करेन्ट कनेक्ट करेंगे therefore the diodes d1 d3 conduct current but d2 d4 do not conduct current okay only d1 d3 hi current conduct karibe tab tar direction kon hobo the current flow through rl along ab rl dc directions okay sethi pai current direction hobo ab rl dc during positive half cycle jo ki diagram ma dekhai sarichi okay and during negative half cycle kon hobo during negative half cycle input ac the end m becomes negative and n becomes positive okay hence diodes d2 d4 are forward bias and d1 d3 are reverse bias okay thik tara olta hobo it d1 d3 forward bias hethila it hobo reverse bias okay it d2 d4 hethila reverse bias it seta forward bias heijibo okay now jehetu d2 d4 it forward bias to only se dita hi current connect karibe au d1 d3 current connect karibe nahi therefore the diodes d2 d4 conduct current but d1 d3 do not conduct current okay now the current flows through rl that is through load resistance okay along cb rl rl da direction okay then we both positive half cycle ho or negative half cycle ho dekho tar direction same thauchi positive half cycle le b rl d de ki kala ki mojita dekho okay rl re hi ame output dc ta paiba okay sethi pai बी आर एल डी जाऊँ ड्यूरींग पजिट हाफ सैकल नेगेटिव हाफ सैकल भी देख बी आर एल डी ओके तो दुईजन करेन्ट डिरेक्शन सेम अच्छे देयरफॉर फॉर बोथ द हाफ सैकल्स अफ इनपुट एसी दैट इज फॉर पॉजिटिव हाफ सैकल एंड नेगेटिव हाफ सैकल द करेन्ट इज फ्लोइंग इन द सेम डिरेक्शन ओके तो बोथ सैकल करेन्ट डिरेक्शन सेम हो दैट इज एलंग बी आर एल डी डिरेक्शन एक्रस आर एल हेन्स द करेन्ट फ्लोइंग एक्रस आर एल इज डीसी ओके सेपाई जेहेतु डिरेक्शन टा सेम अच्छे से आर एल दे जो करेन्ट फ्लो होता हूँ डायरेक्ट करेन्ट ओके तेज आर एल जो करेन्ट पाइबा से डीसी ओके सो ये तार कनसेप्ट गोटे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर को भाई इनपुट एसी को आउटपुट डीसी कन्वर्ट करे ओके नेक्स्ट देख तार रेक्टिफिकेशन एफिसीयसी मीन केते परसेंट से रेक्टिफाइ करते परसेंट र से रेक्टिफाइ कर मीनस इनपुट एसी रते परसेंट को से आउटपुट डीसी कन्वर्ट कर दैट इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ओके ये इम्पोर्टेंट आईटा बाहर करते सेंट्रल ट्रेड फुल वेव रेक्टिफायर पर आउ दुजन ये सेम हम ओके रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आ सेंट्रल ट्रेड फुल वेव रेक्टिफायर पर आउ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर पर सेम ही आसो सो देख जहाँ आम पढ़ी प्रीवियस वीडियो में अगेन सेम टॉपिक ही ओके आउ किसी ना रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आउटपुट डीसी पावर टू इनपुट एसी पावर ओके तो यहाँ से तार फॉर्मूला डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी दैट इज नीटा इक्वल्स टू पी डीसी बाय पी एसी दैट इज आउटपुट डीसी पावर डिवाइड बाय इनपुट एसी पावर आउ एफिशिएंसी को सब परसेंटेज रे ही बाहर कराए से हंड्रेड टाइट ही मल्टीप्लाई हम ओके सब परसेंटेज रे ही बाहर कराए मुझे केते परसेंट को से करुचे ओके इनपुट एसी रते परसेंट को से आउटपुट डीसी कन्वर्ट कर तो परसेंट बाहर करुचे से हंड्रेड टाइट ही मल्टीप्लाई हम एंड दिस इज इक्वेशन वन ओके नाउ ये पी डीसी पी एसी वैल्यू बाहर करवा पी डीसी दैट इज आउटपुट डीसी पावर एंड इनपुट एसी पावर वैल्यू बाहर करवा सेपरेटली एंड ताकि इक्वेशन वन रे पुट करवा ओके आई कमको एज्यूम करके पड़ो ये आसबू तुम्हें पड़ थो एसी करेन्ट ओके से सब जिन गोटे लिखाला लेट इ इक्वल्स टू इज रो सैन ओमेगा टी एटा होती एफसेलन ओके एफसेलन इक्वल्स टू एफसेलन सैन ओमेगा टी इज द इनपुट एसी वोल्टेज ओके यहाँ हूँ मन कर एसी वोल्टेज एंड आर एफ हूँ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड ये चार्टा डायोड रही आउ डायोड गोटे रेजिस्टेंसटा अफोर्ड करे ओके से रेजिस्टेंस है आर एफ मन कर सब डायोड ओके डी वन डी टू थ्री डी थ्री डी फोर चार्टा डायोड र मन कर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस समस्त सेम दैट इज आर एफ यहाँ हूँ लोड रेजिस्टेंस आर एल ये तो आगे आम जानी ओके आर एल हूँ लोड रेजिस्टेंस देन द आउटपुट डीसी करंट इज गिवन बाय डीसी करंट आगे आम बाहर कर सारीछे आई डीसी इक्वल्स टू टू आई जीरो बाय पाई ओके तो मन रखी नियो एसी करंट तुम पढ़ु थो अल्टरनेटिंग करंट बोली गोटे चैप्टर थी से तुम एसबूर भैल्यू बाहर करें डिराइव करनी डायरेक्ट भैल्यू पुट करवा
आई डी सी इक्वल्स टू टू आई जीरो बै पाए व्वेर आई जीरो इज पिक भैल्यू अफ करेन्ट ओके आई जीरो हूँ पिक भैल्यू अफ करेन्ट सो आई रैल्यू बाहर पड़ा आई रैल्यू बाहर मीन पी डी सी रैल्यू बाहर कर पार्बा दैट इज आउटपुट डी सी पावर ओके सो पी डी सी इक्वल्स टू हम पावर फर्मुला कौन पावर फर्मुला हूँ आई स्क्वायर इनटू आर तो आई रैल्यू आम बाहर करे आउटपुट डीसी करंट के टू आई जीरो बै पाए तेज आई स्क्वायर मीन टू आई जीरो बै पाए स्क्वायर आउ लोड रेजिस्टेंस आर एल ही हम ये ओके कहीं आउटपुट आउटपुटा यहाँ आउ आउटपुट करेन्ट रे केवल मात्र गोटे रेजिस्टेंस ही अफोर्ड हम से लोड रेजिस्टेंस ओके किंतु जिते बड़े पी एसी बाहर करवा पी एसी बाहर कले स्टार्टिंग रु होची अल्टरनेटिंग करेन्ट ओके अल्टरनेटिंग करेन्ट दैट इज तेज अल्टरनेटिंग करेन्टा डायड मान को भी फेस करुच्छे मीनस ये डायड्र फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी ताको अफोर्ड कर ओके ये भी रेजिस्टेंस अफोर्ड कर डायड मान भी तेरे से दीटा रेजिस्टेंस रहिबो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ एंड लोड रेजिस्टेंस आरएल ओके किंतु यही केस रे जोटा आम पी डीसी बाहर कले ओनली आरएल ही रहा कहीं आउटपुट आउटपुट कथ देखुचे जोटा कि यू बाहरी सारा पर कथ ओके तेज से ओनली गोटे ही रेजिस्टेंस अफोर्ड हम दैट इज आरएल ओके लोड रेजिस्टेंस से आरएल ही ये मल्टीप्लाई कराला सो दिस इज इक्वेशन टू पी डी सी इक्वेस टू के टू आई जीरो बै पाइर होल स्क्वेयर इंटू आरएल ओके तो पी डी सी वैल्यू बाहर कर दे नेक्स्ट आम बाहर करेंगे पी एसी वैल्यू देख पी एसी वैल्यू बाहर करवाई आमको आर एफ आरएमएस वैल्यू बाहर करवाक पड़ा करेन्टर ओके द आरएमएस अफ करेन्ट फर ए फुल वेव इनपुट एसी इज गिवेन बाय आई एसी इक्वल टू आई जीरो बै रुट टू ओके आमको आम जो बाहर करते आई डी सी दैट इज आउटपुट डीसी करंट ओके कौन टू आई जीरो बै टू सरी टू आई जीरो बै पाई ओके ठीक से भाई आरएमएस अफ करेन्ट फर फुल वेव इनपुट एसी इज गिवेन बाय आई एसी दैट इज याक आम आई आरएमएस लिखिपर ओके आई आरएमएस इक्वल टू आई जीरो बै रुट टू यहाँ हूँ तरह फर्मुलाटा नाउ पी एसी के हम दैट इज आउटपुट एसी पावर सॉरी इनपुट एसी पावर ओके एसी पावर एसी मीन्स इनपुट यहाँ तेज इनपुट एसी पावर कौन हो आई स्क्वायर इनटू आर दैट इज आई स्क्वायर मीन्स करंट स्क्वायर आई जीरो बाय रूट टू आई जीरो बाय रूट टू स्क्वायर आउ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये दुटा रहिबो ओके दुटा रहिबो आउ दुटा डायोड रो दुटा रेजिस्टेंस हो टू आर एफ प्लस आर एल है ओके जोटा मुझे कही सारी ऑलरेडी एसी बाहर कला बेले दुटा रेजिस्टेंस हम डायोड्र आउ लोड रेजिस्टेंस आरएल रो ओके से दुटा है आउ डायोड दुटा था देख डायग्राम में ओके ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देख पॉजिटिव हाफ साइकिल रे डी वन डी थ्री टा फॉरवर्ड बायस मीन्स ये दुटा रेजिस्टेंस अफोर्ड कर ओके रेजिस्टेंस ये दुटा अफोर्ड कर तेज यार आरएफ यार आरएफ तो कौन है टू आरएफ हो आउ ठीक से भाई नेगेटिव हाफ साइकिल देखे ये दुटा अफोर्ड कर तेज यार फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के आरएफ प्लस आरएफ दैट इज टू आरएफ ओके से टू आर एफ लिखाई सो देख टू आर एफ प्लस आर एल ओके यहाँ रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वेशन थ्री ना बाहर करदे पी एसी आउ पी डी सी तो बाहर करे इक्वेशन टू रे ना ये दुटा इक्वेशन को लेकिन आम पुट करवा इक्वेशन वन रे ओके सो यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन वी गेट डीटा इक्वेस टू पी डी सी वैल्यू के पी डी सी वैल्यू हूँ टू आई जीरो बै पाइर होल स्क्वायर इंटू आर एल एंड पी एसी वैल्यू के आई जीरो बै रूट टूर स्क्वायर इंटू टू आर एफ प्लस आर एल इंटू हंड्रेड ओके नाउ या सिंप्लीफाई करवा नीटा इक्वेज टू टू रोयर हूँ फोर आई जीरो स्क्वायर को आई जीरो स्क्वायर पाइर स्क्वायर को पाइ स्क्वायर रहा इंटू आई जीरो बै रूट टू अच्छी आई जीरो स्क्वायर के आई जीरो स्क्वायर रूट टूर स्क्वायर हूँ टू देन एटा ये डिवाइड हो तो ऊपर जो मल्टीप्लाई हेल्ले टूटा उपरे जीव आई जीरोटा तले आसो ओके तार रेसिप्रोकल हो तेज यार सहित मल्टीप्लाई हेल्ले हम टू बै आई जीरो स्क्वायर या उपरे ना न्यूमेरेटर में नाउ डिवाइड बाय इटी आगर थिला टू आर एफ प्लस आर एल तो अच्छे टू आर एफ प्लस आर एल आउ इटी आर एलटा ये मल्टीप्लाई अच्छे ये मल्टीप्लाई अच्छे मीन्स या सहित डिवाइड हो पार ओके तेज इटी मल्टीप्लाई टर्म को यार सहित आम डिवाइड करदे कहीं ये एगेन उपरे जाए मल्टीप्लाई हो पार तो ये रहा आर एल हंड्रेड को हंड्रेड मल्टीप्लाई की रही नाउ ये देख किए किए मल्टी कैनसल होते आई जीरो स्क्वायर कैनसल ओके यहाँ हूँ आई जीरो स्क्वायर कैनसल फोर इंटू टू इज एट पाइ स्क्वायर इंटू वन इज पाइ स्क्वायर ओके तेज एट बै पाइ स्क्वायर इंटू ये कि ना तो वन बै दिस तो ये कैनसल होर एल कैनसल होगा वन प्लस
टू आर एफ बाई आर एल ताको आमे सेपरेटली डिवाइड कर देले इनटू 100। नाउ इतिर मल्टीप्लाई कर दियो 8 बाय पाई स्क्वायर इनटू 100, 8 बाय पाई स्क्वायर इनटू 100 द वैल्यू होची 81.2। ओके से वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख ले इठी 81.2। 8 बाय पाई स्क्वायर इनटू 100 हेले होबो 81.2। एंड तळे जो रही छी डिनोमिनेटर रे 1 प्लस 2 आर एफ बाय आर एल को सेम टू सेम रहला इक्वेशन 4। ओके सो इटा होची एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ओके इटा होची एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ फॉर आइडियल ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर आर एफ इज नेग्लिजिबल। ओके जदि आम गोटे आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर देखा देन से जो डायड आम नहीं डायड कौन से रेजिस्टेंस अफोर्ड करिबो नाही। ओके दैट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायड इज जीरो दैट इज आर एफ इज जीरो। ओके गोटे आइडियल रेक्टिफायर जदि आम देखा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर देन से डायड कौन से रेजिस्टेंस अफोर्ड करिबो नाही दैट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ इस डायड इज जीरो। तेब ये जीरो पुट कले कौन हम एटा हिजिब इक्वेशन 4 बिकम्स 81.2 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ जगह जीरो लिखे जीरो इंटु टू इज जीरो जीरो बै आर एल एंड एटा जीरो हिजिब जीरो प्लस वन इज वन एंड समथिंग बै वन इज समथिंग दैट इज 81.2 ओनली। ओके तो परसेंटेज बाहर करे तो लास्ट को हम लिखिदे 81.2%। तो यहाँ हो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ ए आइडियल ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ओके hence a bridge full wave rectifier can convert a maximum of 81.2% of input ac power into dc output power। okay or output dc power tebe ethro ame jan le je rectification efficiency of a bridge full wave rectifier is 81.2% eta hoche maximum। okay input ac ro maximum etiki hi se output dc re convert kari paribo। okay tar to adhik se convert kari paribo nahi eta hoche गोटे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी। ओके इनपुट एसी रो 81.2% को ही डीसी करंट से कन्वर्ट करी पारिबो। ओके नाउ देखिबा पीक इनवर्स वोल्टेज सेटा मते गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहिछ पीक इनवर्स वोल्टेज आउ सब थ्री आमे पढ़ी पढ़ी आसुचे हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ी थे सेंटर टाइट फुल वेव रेक्टिफायर मते पढ़ी आठ पढ़ा। ओके तो पीक इनवर्स वोल्टेज देख तर डेफिनेशन होची पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट इज जंक्शन डायड कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन। ओके पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट इज जंक्शन डायड कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन। तब पीक इनवर्स वोल्टेज होची गोटे रेक्टिफायर रो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। ओके एटा होची मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट ए जंक्शन डायड कैन विथस्टैंड मीन्स किसी ही नथिबो। ओके कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन आम जानचे पीएन जंक्शन डायड तार डिप्लेशन रीजनटा गोटे पर्टिकुलर वोल्टेज आसला परे ब्रेक हो जाए। ओके से डिस्ट्रॉय हो जाए जंक्शन जो डिप्लेशन रीजनटा थाए सेटा ब्रेक हो जाए। ओके डिस्ट्रॉय हो जाए गोटे पर्टिकुलर वोल्टेज आसला परे। ओके तबे जो वोल्टेज जाए कि से विथस्टैंड थिबो मीन्स किसी ही नथिबो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन मीन्स जंक्शनटा डिस्ट्रॉय होइथबो। ओके सॉरी जंक्शनटा डिस्ट्रॉय हो नथिबो। ओके देन सेतकी जाए जो मैक्सिमम वोल्टेजटा रहिबो रिवर्स वोल्टेज ताको ही पीक इनवर्स वोल्टेज बोली कहा जाए। ओके सेटा होची मैक्सिमम वोल्टेज जेतेबेले पर्यंत कि जंक्शनटा डिस्ट्रॉय हो नथिबो। ओके आउ सेही पॉइंट को क्रॉस कला परे ओके जो गोटे पर्टिकुलर वोल्टेज रहिबो सेही वोल्टेज को क्रॉस कला परे जंक्शनटा डिस्ट्रॉय हो जिवो। ओके सेटा हो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो थे कि जंक्शन डायडटा किसी हो नथिबो। ओके विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन से जंक्शनटा डिप्लेशन रीजनटा कौन से नष्ट हो नथिबो। ओके से मैक्सिमम वोल्टेज को ही पीक इनवर्स वोल्टेज बोली कहा जाए एटा आगर मध्ये कहि आछि। नाउ देखिबा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर पै पीक इनवर्स वोल्टेज केते होछि। ओके सेटा मु डायग्राम रे आगर बुझे दे छि तापरे ए थ्योरी पार्ट देखिले बुझा पड़िबो। देख एबे हम जान ले तार वर्किंग रे जे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 D3। ओके ए दुटा फॉरवर्ड बायस हो जाउछि आ ए दुटा रिवर्स बायस हो जाउछि आ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए दुटा फॉरवर्ड बायस हो जाउछि ए दुटा रिवर्स बायस हो जाउछि। ओके तबे यार मैक्सिमम वोल्टेज मन कर हला VM। ओके जो सेकेंडरी कॉइल एस रो मैक्सिमम वोल्टेज हला मन कर VM। तबे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखले ए दुटा कनेक्ट करू नै करंट। ओके ए दुटा ही करंट कनेक्ट करुच्छी
तेबे ए जो वी एम टा अच्छी मैक्सिमम टा सेटा कोठी एपियर हबो ओनली डी फोर एंड डी टू रे। ओके यार जो मैक्सिमम वोल्टेज टा अच्छी सेटा एपियर हबो ओनली डी फोर एंड डी टू रे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, काहे ना ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए दुटा करंट कनेक्ट करू नहांती। ओके से यार मैक्सिमम वोल्टेज जो अच्छे से ओनली डी टू एंड डी फोर हिं एपियर हे आठ दु जन सेम का हम कौन यहाँ पारेलल कनेक्शन अच्छे देख यहाँ हूँ इटि देन डी टूटा अच्छे ये आी फोरटा अच्छे ये तो यहाँ कौन पारेलल अच्छा पारेलल अच्छा मीनस वोल्टेज समस्त सेम का रोक। ओके मीनस यार जो भि एम अच्छे देन इार भी भि एम का हम इार भी भि एम का हम। ओके तो ये पिक इनवर्स वोल्टेज केगला ओनली भि एम का हो ओके सब टाइट पर ओनली भि एम का होगी पारेलल कनेक्शन रे अच्छे। ओके ठीक से नेगेटिव हाफ साइकिल कथा जब देखा नेगेटिव हाफ साइकिल कथा देखिले ए दुटा रिवर्स बायस ए दुटा फॉरवर्ड बायस। ओके डी टू डी फोर फॉरवर्ड बायस तेज ए दुटा करंट पास हो पारे ना ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल तेज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए दुटा जेहतु करंट पास करनी तेज यार जो मैक्सिमम वोल्टेज रही भि एम टा से एपियर हम ओनली डी वन एंड डी थ्री। ओके तेज यहाँ भी देख यार भी ये भी पारेलल का अच्छे एस एंड डी वन डी थ्री देख पारेलल रे अच्छे यहाँ अच्छे तापर यहाँ अच्छे डी थ्री टा अच्छे तेज एम पारेलल कनेक्शन अच्छा पारेलल कनेक्शन जेहेतु अच्छा तो यार वोल्टेज इक्वल टू यार वोल्टेज इक्वल का हम। ओके यार जो भि एम अच्छे देन यार भी भि एम का हम यार भी भि एम का हम तेज ये जो पिक इनवर्स वोल्टेज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल से भि एम का होती। ओके तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हेले भी भि एम नेगेटिव हाफ साइकिल देखले भी भि एम का होती। ओके तो यहाँ हूँ तरह कनसेंट। ओके पिक इनवर्स वोल्टेज ये बाहर कराए किंतु जो आम देखी सेंटर टाइट फुल ऑफ रेक्टिफायर पर सेंटर टाइट फुल ऑफ रेक्टिफायर रे टू भि एम थी। ओके टोटल पिक इनवर्स वोल्टेज टू भि एम थी किंतु यहाँ हूँ भि एम आउ हाफ ऑफ रेक्टिफायर पर भी पिक इनवर्स वोल्टेज वैल्यू हूँ भि एम। ओके से आम आगु पढ़ी सारी सो देख जहाँ मुझे ये एक्सप्लेन कराला लेट भि एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज एक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ओके भि एम हूँ सेकेंडरी कॉइल मैक्सिमम वोल्टेज देन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी डायोड्स डी टू डी फोर आर नॉन कंडक्टिंग। ओके पॉजिटिव हाफ साइकिल हेले डी टू डी फोर नॉन कंडक्टिंग मीन्स यहाँ दे कि करंट पास हो पारे ए दुटा रिवर्स बायस। ओके एंड आर इन पैरेलल विथ सेकेंडरी कॉइल आउ ए दुटा पैरेलल कनेक्शन रे अच्छा। ओके सेकेंडरी कॉइल सहित कंसिक्वेंटली द पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड्स डी टू एंड डी फोर इज इक्वल टू द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ओके जेहेतु पैरेलल कनेक्शन रे अच्छा से यार जो मैक्सिमम वोल्टेज रही है सेकेंडरी कॉइल ता सहित ए दुटार पिक इनवर्स वोल्टेज इक्वल हो। ओके डी टू एंड डी फोर पिक इनवर्स वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल मैक्सिमम वोल्टेज भी एम सहित इक्वल हो तो यहाँ हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल हेले सिमिलरली ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकल्स इन ऑफ इनपुट एसी डायोड्स डी वन डी थ्री आर नॉन कनेक्टिंग। ओके डी वन डी थ्री नॉन कनेक्टिंग हे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए दुटा कौन रिवर्स बायस रे एंड आर इन पैरेलल विथ द सेकेंडरी कॉइल। ओके आउ ए दुटा सेकेंडरी कॉइल सहित पैरेलल कनेक्शन अच्छा से जो पिक इनवर्स वोल्टेज रही है डी वन एंड डी थ्री। ओके से इक्वल हम सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल एस मैक्सिमम वोल्टेज सहित। ओके कंसिक्वेंटली द पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड्स डी वन एंड डी थ्री इज इक्वल टू द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल दैट इज therefore पी आई वी इक्वल्स टू भी एम पी आई वी मीन्स पिक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स टू भी एम ही हम बहुत साइकिल पर से सेम का होची भी एम का होची। ओके नेगेटिव हाफ साइकिल हेल्प भी एम पॉजिटिव हाफ साइकिल हेल्प भी एम तेज गोटे ब्रिज फुल ऑफ रेक्टिफायर पिक इनवर्स वोल्टेज हूँ पिक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स टू भी एम। ओके ना देखा तरह एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके कौन कौन एडवांटेजेस डिसएडवांटेज रही है गोटे ब्रिज फुल ऑफ रेक्टिफायर से नेक्स्ट देखा देख एडवांटेज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंटर टाइट ट्रांसफॉर्मर इज एलिमिनेटेड। ओके तेज ये आम देखिले फुल ऑफ रेक्टिफायर दुई टाइप था सेंटर टाइट फुल ऑफ रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइट सॉरी ब्रिज फुल ऑफ रेक्टिफायर। ओके तो ब्रिज फुल ऑफ रेक्टिफायर सेंटर टाइट कौन सी दरकार नहीं। ओके सेकेंडरी कॉइल को पॉइंट रे कोठी सेंटर टाइट करवा से दरकार पड़ूनी तो यहाँ हूँ गोटे एडवांटेजेस। ओके किंतु सेंटर टाइट फुल ऑफ रेक्टिफायर आमको दरकार पड़ूगा जो सेकेंडरी कॉइल कोठी सेंटर टैप करा हबो। ओके सीटा दरकार करूथिले किंतु एठी सेटा दरकार नाही सो द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड एठी कोनोसे दरकार नाही एटा होची गुटे एडवांटेज। तापर सेकंड एडवांटेज कोन रहिला
The DC output is large because the whole of the secondary voltage is utilized by the bridge. Okay. आउ ये जो आउटपुट टा बाहर डीसी से लार्ज ओके द डीसी आउटपुट इज लार्ज बिकज द होल ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज जो सेकेंडरी वोल्टेज रही मीन सेकेंडरी कॉइल जो वोल्टेजा रही ब्रिज द्वारा यूटिलाइज होके सब जितकी वोल्टेज रही सेकेंडरी कॉइल रहा ब्रिज द्वारा यूटिलाइज हो पारे ओके से आउटपुट डीसी जो बाहर डीसी करंट जो बाहर डायरेक्ट करंट से लार्ज ओके तो बेसी आम डीसी करंट पाइबा ये तो यहाँ हूँ आउ गोटे एडवांटेजेस ओके तापर थर्ड एडवांटेज देखा द पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज वन हाफ ऑफ द पीआईवी दैट इज पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टाइट फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम डीसी आउटपुट ओके तब ये देख यहाँ हूँ गोटे भल एडवांटेजेस आम देखी सेंटर टाइट फुल वेव रेक्टिफायर रे पिक इनवर्स वोल्टेज इक्वल टू 2 VM थी सेंटर टाइट रे किंतु यहाँ हूँ VM ओके किंतु इटी डीसी आउटपुट जो आम पाचे सेंटर टैप्रे आउ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर रे ओके दुई जन सेम का अच्छे ओके किंतु यार पिक इनवर्स वोल्टेजा कम अच्छे आउ जो सेंटर टैप्रे फुल वेव रेक्टिफायर तारटा अधिक थिला ओके सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर रो पिक इनवर्स वोल्टेज अधिक अच्छे किंतु यार कम अच्छे तो यहाँ अच्छे आहरी गोटे भल एडवांटेजेस ओके ना देख तर डिसएडवांटेजेस कौन कौन डिसएडवांटेज रही इट रिक्वायर्स 4 junction डायोड देख ल आम डायग्राम रे चार्टा डायड आम दरकार करूँ D1 D2 D3 D4 ओके ये चार्टा डायड दरकार कले कि सेंटर टैप रेक्टिफायर रे ओनली दुटा हेले ही हो किंतु ये चार्टा दरकार पड़ा तो यहाँ गोटे डिसएडवांटेजेस ओके चार्टा दरकार पड़े आमको ये एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनक्रीज बाय द टू द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनक्रीज बिकॉज़ द टू कंडक्टिंग डायड्स आर इन सीरीज ओके तेज ये इंटरनल रेजिस्टेंसटा बढ़ी जाऊँगी ओके कहीं ये दुईटा डायड सेरीज रही जाए ड्यूरींग पॉजिटिव हाफ साइकिल हो कि ड्यूरींग नेगेटिव हाफ साइकिल हो ड्यूरींग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखले जो D1 एंड D3टा सेरीज रहीगले ओके देख ल डायग्रामा ये ड्यूरींग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 तापर लोड रेजिस्टेंस देखिए D3 को आसाला तेज दुईटा सेरीज रहीगले सेरीज रहीगला मीन्स ये जो रेजिस्टेंसटा हम सीटा इनक्रीज हो दिजन फॉरवर्ड रेजिस्टेंसटा रही डायोडर फॉरवर्ड रेजिस्टेंसटा इनक्रीज हो जाए ओके तो यहाँ गोटे डिसएडवांटेजेस तो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल देखले और नेगेटिव हाफ साइकिल देखले D2 एंड इे D4 ये दुज सीरीज रहीगले सीरीज रहीगले मीन्स ये दुजन फॉरवर्ड रेजिस्टेंसटा अधिक हो ओके तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंसटा ये इनक्रीज हो जाए सो यहाँ है गोटे डिसएडवांटेजेस ओके सो ये ब्रिज फुल रेक्टिफायर गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके भावी बुझीप जदि वीडियो किसी जानक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।